तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रज्वल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं प्रज्वल रोबोटिक यूट्यूब चैनल में। तो गाइस काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैंने आपके लिए अभी तक कोई भी न्यू आइडियाज या फिर न्यू इन्वेंशन वाली वीडियो अभी तक नहीं लाई है। जैसे पहले मैं आपके लाता था न्यू इन्वेंशन न्यू आइडियाज वाली वीडियो और वो आपको जो काफी सारी जो है वीडियो वैसी पसंद आती थी, तो इसलिए आज मैं आपके लिए फिर से न्यू आइडियाज और न्यू इन्वेंशन वाली वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको काफी छोटे छोटे सिंपल प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूँ, बट वो आपको काफी ज्यादा आपके काम आएंगे और वो आपके काफी ज्यादा पैसे भी बचाएंगे। तो यार वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और गाइस वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना और ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, उसे आपको आने वाली जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप और मजेदार वीडियोस देख पाओगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले गाइस यहाँ पे मैं जो है 5 ml का एक इंजेक्शन ले रहा हूँ और जो ये जो इंजेक्शन है ये गाइस मैं मेडिकल के शॉप से लेके आया हूँ 10 रुपए का। आप जो है इसे बड़ा भी ले सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा, छोटा भी ले सकते हो उससे भी काम चल जाएगा। और आपके शहर में गाइस जो इसका जो प्राइस है वो कम ज्यादा रेट के अंदर भी हो सकता है, और आपको नया वाला ही लेके आना, पुराना वाला यूज नहीं करना है। तो चलो हम इसको पहले कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये हमारा आ चुका है बाहर इंजेक्शन। तो अभी कैसे हम क्या करेंगे कि इंजेक्शन को जो है यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है इस लाइन के ऊपर से हम इसको यहाँ से आगे से कट कर देंगे। और इसको गाइस कट करने के लिए यहाँ पे मैं जो ब्लेड का यूज करने वाला हूँ, आप जो कटर आता है उससे भी कट कर सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने इस जो है इंजेक्शन को आगे से कट कर लिया है। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे कि इस इंजेक्शन को जो है आगे से बंद करेंगे, और बंद करने के लिए यहाँ पे मैंने जो पीवीसी पाइप के एक शीट का टुकड़ा कट करा है, जिसके ऊपर हम जो है इस इंजेक्शन को यहाँ पे कुछ स्टेप से रखेंगे और जो है यहाँ पे जो है मार्कर के द्वारा मार्क करके इसको जो है कट कर लेंगे। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो है कैंची से एक पीस को कट कर लिया है, तो अभी हम इसको जो यहाँ से चिपकाएंगे। तो चलो यहाँ पे फटाफट से चिपका लेते हैं, और आपको इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो लीक ना हो, जब हम इसको प्रेस करें तो ये यहाँ से हवा कोई भी वगैरह लीक नहीं होनी चाहिए। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं जो फिर से पीवीसी पाइप के एक शीट का टुकड़ा ले रहा हूँ, और इसके ऊपर हम गाइस जो है 1 इंच के ऊपर कंपास को सेट करके यहाँ पे जो है एक सर्कल बना देंगे। और घिसने के बाद हम इस जो है इंजेक्शन को यहाँ पे कुछ स्टेप से चिपका देंगे। घिसने से गाइस जो है एक फायदा होगा कि ये जो है काफी ज्यादा मजबूती से इसके ऊपर सुपर ग्लू से चिपक जाएगा, अगर हम इसको बिना घिसे यहाँ पे चिपकाएंगे तो उतनी मजबूती से नहीं चिपकेगा। और ज्यादा गाइस जो है मजबूती के लिए यहाँ पे मैंने जो कुछ स्टेप के पीवीसी पाइप के टुकड़े कट करे हैं, जिनको कि हम जो कुछ स्टेप से ऐसे यहाँ पे चिपका देंगे। 3 यहाँ पे लगाएंगे, आप 4 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से ऐसे सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो चलो कुछ फटाफट से चिपका लेते हैं। तो अभी कैसे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम 3 होल कर देंगे, एक इधर और एक इधर और एक इस साइड पे, यहाँ पे जो है 3 होल कर लेंगे। तो होल करने के लिए आप ड्रिल मशीन का भी यूज कर सकते हो, जो है सोल्डर ग्राइंड का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप किसी भी स्क्रू ड्राइवर को जो है यहाँ पे कुछ स्टेप से रख के ऐसे गोल गोल घुमा के भी इसके अंदर जो है होल कर सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो तीनों जगह पे होल कर लिए हैं। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं जो एक इस प्रकार के रबड़ का टुकड़ा ले रहा हूँ, और इस रबड़ के टुकड़े को हम जो है कुछ स्टेप से इसके आगे यहाँ पे चिपका देंगे। तो चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का यूज करने वाला हूँ, तो चलो फटाफट से चिपका लेते हैं। तो गाइस ये हमारा बन गया एक गेट स्टॉपर, जो कि गाइस जो आपने मार्केट में भी देखा हो, जो रबर टाइप के गेट स्टॉपर आते हैं जो कि गेट के पीछे लगते हैं, उसे गाइस जो है गेट दीवार के साथ नहीं टकराता, बट वो जो काफी महंगे आते हैं तो उससे हमारे काफी पैसे वेस्ट हो जाते हैं। बट अगर आप गाइस जो इसको बना के यूज करते हो तो आपके काफी सारे पैसे बच जाएंगे। तो चलो गाइस फटाफट से इसकी टेस्टिंग करते हो, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो देखो गाइस ये वाला जो गेट है इसमें आपको जो है इस वाले गैजेट को यूज करके दिखाऊंगा। तो ये जो गेट है गाइस जब हम इसको दीवार के साथ ऐसे लगाते हैं तो ये जो कुछ टाइप से ऐसे टकराता है, देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे निशान भी पड़ गया इस हैंडल का।
तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से ऐसे टकराते हैं। बट गाइस अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमारा जो ये वाला गेट है ये दीवार के साथ यहाँ पे नहीं टच होगा, पहले जो है स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हमारा गैजेट है, तो इसको हम जो कुछ इस टाइप से ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है 3 होल भी करे हैं जिसको कि हम जो ऐसे यहाँ पे स्क्रू से यहाँ पे टाइट कर सकते हैं या फिर कील वगैरह से भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको गाइस जो है इसको कील वगैरह या फिर स्क्रू से नहीं लगा के दिखाने वाला क्योंकि उससे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ऐसी टेस्ट करा के दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे आपको फटाफट से वीडियो बना के देनी है। तो इसलिए मैं जो यहाँ पे जो है इसको ऐसे आपको टेस्ट करा के दिखाने वाला हूँ। तो अभी गाइस मैं जो गेट को बंद करता हूँ, तो अभी गाइस आप देखो कैसे ये जो है गेट दीवार के साथ नहीं टकरा रहा और ये जो है सिरिंज हमारी जो है इसके अंदर जाके वापस से बाहर आ रही है। तो देख सकते हो तो कुछ इस टाइप से ये जो है वर्क करेगा, तो काफी अच्छा वर्क कर रहा है। इससे गाइस जो है इसके अंदर जाने से इसका गाइस फायदा ये है कि इससे जो है नॉइस भी बहुत कम आएगी, जितना भी ये जो प्रेशर से लगा होगा वो सारा ये जो है एब्जॉर्व कर लेगा जितना भी प्रेशर जो है ये प्रेशर से यहाँ पे ये टच होगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये जो है डोर स्टॉपर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस अभी हम बढ़ते नेक्स्ट प्रोजेक्ट की और नेक्स्ट प्रोजेक्ट और भी ज्यादा आपके यूजफुल आने वाला काम आने वाला है। तो अभी गाइस यहाँ पे मैं फिर से एक नई वाली सिरिंज ले रहा हूँ और अभी हम क्या करेंगे कि इसके इस वाले पार्ट को निकाल लेंगे और इसके अंदर से ये जो रबड़ लगी हुई है ब्लैक कलर की आगे वाली इसको भी यहाँ से हम निकाल देंगे। और इसका गाइस जो ये वाला जो आगे वाला जो पार्ट है इसके आगे की साइड में हम जो एक ब्लेड की मदद से यहाँ पे एक स्लॉट बनाएंगे, स्लॉट हमें जो है यहाँ तक बनाना है कुछ अंदर तक। तो चलो गाइस फटाफट से यहाँ पे मैं जो है इस ब्लेड से इसके अंदर जो एक स्लॉट बना लेता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने जो कुछ स्टेप का स्लॉट बना लिया है, मुझे थोड़ी सी मेहनत लगी बट फाइनली ये जो है बन गया। तो अभी यहाँ पे गाइस मैं जो एक ब्लेड का जो है कटर का ब्लेड ले रहा हूँ जो कि गाइस मुझे जो स्टेशनरी शॉप से 2 रुपए का मिला है। तो इस ब्लेड को हम जो कुछ स्टेप से इसके अंदर के साइड यहाँ पे डालेंगे। तो पहले हम इसको जो थोड़ा सा सीधा कट कर लेते हैं वरना ये जो है थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है ब्लेड को जो है नीचे से सीधा कट कर लिया। तो अभी हम इसको जो है कुछ इस टाइप से ऐसे इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको जो है इस आगे वाले पार्ट को ऐसे दबाएंगे और दबाने के बाद हम इसको जो है अच्छे से यहाँ पे सुपलू के द्वारा चिपका देंगे। अभी गाइस हम इस जो है सिरिंज के ये वाले पार्ट को आगे से कट कर देंगे और कट करने के बाद गाइस हम क्या करेंगे कि इसको इसके अंदर कुछ स्टेप से ऐसे डाल देंगे। तो ये हमारा गाइस बन गया एक कटर जो कि गाइस जो है हम इसको ऐसे साइज के हिसाब से आगे पीछे भी कर सकते हैं। देख सकते हो यहाँ से ये बाहर हो गया और यहाँ से ये बंद हो गया जिसको कि हम जो है किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको हम जो जब चाहे यूज करना हो तो इसको बाहर निकाल के ऐसे भी किसी भी चीज को ऐसे कट वट कर सकते हैं और जब जो है इसका यूज नहीं करना तब हम इसको ऐसे पीछे खींच के बंद भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे हाथ वात में नहीं लगेगा, किसी भी चीज को नहीं कट कर पाएगा। बट जब कट करना है तब इस ब्लेड को ऐसे कुछ ऐसे प्रेस करके हम इसको ऐसे किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं जैसे हम जो है नॉर्मल कटर को यूज करते हैं। तो है ना कि काफी कमाल का कटर, आप मुझे कमेंट करके बताना है आपको ये दोनों जो आइडियाज है ये कैसे लगे और जो इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। उससे गाइस जो आपको आने वाली जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप और मजेदार वीडियोस देख पाओगे। तो मिलते हैं गाइस जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।